हेलो यूट्यूब फैम, आई होप आप सब अच्छे हो गए और अच्छे ही रहना। और ये रही दीदी, मैं और दीदी जा रही हैं एक क्लाउस, मुझे कुछ काम है, मैं दीदी के साथ जा रही हूँ, दीदी को लेके जा रही हूँ। अच्छा, दीदी को लेके जा रही हूँ, बढ़िया। यस, जिस कॉलोनी में, उस कॉलोनी का नाम बताओ जरा। कॉलोनी का नाम नहीं बता सकते ना, रिवील नहीं करेंगे ना, आपके घर का एड्रेस नहीं पता चल जाएगा। ये बड़े लोग सिर्फ नाम के बड़े होते हैं, छोटों से ज्यादा अकल नहीं रहती है उनमें। ओमा में वॉशिंग मशीन चेक करने, क्योंकि उस दिन डन नहीं हो पाई थी, इसलिए अभी देखने आए। वो अच्छी लग रही है, देखो वो अच्छी लग रही है। कौन सी डन करी बता? ये वाली वॉशिंग मशीन डन करी है। हाँ, जूसर वापस, जूसर ये वाला। क्लास भी गई थी, 1.5 आवर की क्लास थी, और अभी है डीबी मॉल में। वॉशिंग मशीन हो गई है डन, और हालत भी हो चुकी है ख़राब, मुझे बहुत ज़्यादा नेक पेन हो रहा है। देखते हैं अब कहाँ जाते हैं। कहाँ जाने वाले अपन? लंचन नहीं जाना है मुझको, अभी मुझको अभी कुछ खाने जाना, खिला दे। और ये रहा है मैक जी, ये रहा हमारा मेल। मंगाया है क्या? मिनी नाम क्या था यार? मिनी चॉकोबोन और ये चॉकलेट ब्राउनी। ये क्या कर रही हो दीदी? मैं सबको बता दूं, ये दीदी की फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड्स हैं। और कब से फ्रेंडशिप है आप लोगों की? 8 साल। और ये भी दीदी की एक और फ्रेंड है, और ये तीनों साथ में पढ़ती थी। हेलो, यहीं भोपाल में ना? हाँ। अब कॉलेज भी बता दूँ? कॉलेज नाम। वो अभी आए हैं क्लास, मैंने कल भी बताया था, दीदी और मैं जा रहे हैं। दीदी देखो भागती चली जा रही है फोन में, हरे गर्मी आते स्कूटी से आए तो हालत ख़राब हो गई। कल तो जीजू ने ड्रॉप कर दिया था तो ठीक था। बाप रे, अभी एक और फ्लोर है यार। हाय, क्लास हो गई है पूरी। और ये रही नेहा दीदी, नेहा दीदी थी क्लास में और वो दीदी भी थी। अरे ये दीदी निकाल रही है अपनी। दीदी आपकी गाड़ी का नाम क्या है वैसे? मतलब अरे मतलब क्या बोलती हूँ उसको, प्यार से बुला रही हूँ मैं इसको, बोलती प्यारी। प्यारी बोलती है ये, प्यारी। चलो कहाँ जाने वाले हैं अपन? गोलगप्पे खाने। मेरी लैंग्वेज है फुल्की खाने। फुल्की नहीं, गोलगप्पे खाने। गोलगप्पे नहीं, फुल्की। और यहाँ आए हैं गोलगप्पे खाने। ये रहे गोलगप्पा क्वींस भैया। जल्दी रहा नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी है। कौन से एरिया में अपन? एमपी नगर Zone 2। ठेले का नाम भी बता दो, सब आ जाए। ये रहा, क्या हो गया, नहीं मिल रही क्या जल्दी? नहीं मिल रही। ये देखो, ये नमकीन ही खाए जा रही। प्याज ही खाए जा रही। और फुल्की वाले भैया को लिटरली इनने और उनने दोनों ने परेशान कर दिया। सूखी दो, ऐसी दो, वैसी दो, उनके चेहरे पे साफ दिख रहा था कि वो परेशान हो गए। क्यों परेशान कर लिया फुल्की वाले भैया को? हाँ कर लिया। मुंह देखने ना, दीदी ने भी लास्ट में सुना दिया, भैया बिल्कुल अच्छी थी आज। यार खा लेना ये ना। हो अलग ही है कार से, बाइक से, पैर से टक्का लगा रहे हैं। क्या में गॉगल में?
गिर गया था ना वो वहाँ पे, तो ए मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना? तुम्हारी गलती है। अच्छा, नहीं तो हमने गिराया नहीं जबरदस्ती। तुमने गिराया लेकिन तुमने नहीं गिराया, लेकिन तुम्हारी वजह से गिरा। अकड़ू सड़ू तुम बदतमीज। तो अभी आए हैं कुछ देर पहले क्लास से, और अब प्लान बन गया कि अभी जाते हैं कुछ हल्का फुल्का खाने। दीदी जीजू दोनों की इच्छा है खाने की, तो जाते हैं। वैसे सबने ये सोचा था कि अब बाहर का नहीं खाएंगे, क्योंकि कुछ टाइम से बहुत सबका बाहर बाहर का चल रहा था। अभी ट्रिप से भी आए थे हम लोग, तो बाहर का ही चल रहा था। लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, जंक फूड नहीं खाना है। मैं जो भी खाऊंगी आप सबके साथ शेयर करूंगी। ये मेरा लास्ट सीट डे था, होप सो, बट कोशिश यही करूंगी कि अब नहीं खाऊंगी। और मैं तो वही करूंगी जो मुझ पर वर्क करता है। मैं कभी किसी की ये डाइट फॉलो करो, कीटो डाइट फॉलो करो, और भी जो भी डाइट होती है मेरे को पता नहीं है, लो कार्ब डाइट फॉलो करो, प्रोटीन डाइट फॉलो करो, मैं नहीं करती। क्योंकि मैंने किया था दीदी की शादी के टाइम पे, तो वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी कोई और ब्लॉग में, तो अपन अलग से ब्लॉग रखेंगे। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो मैं ऐसे हाथ बार बार करके बोल रही हूँ, मेरे नेल्स इस बार बढ़ गए हैं। वैसे तो बढ़ते रहेंगे, देखो। तो मैंने नेल पेंट आज ही लगाई थी, तो मैं इसीलिए ज़्यादा ऐसे ऐसे, आप में से शायद किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, बट मैंने बता दिया। ये देखो जो वहीं पे है मार्केट में, वहीं मिल जाएंगे। अरे तो गाड़ी कौन चलाए? बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सा अब दिखे। यहाँ से दिखे ना, मेरे दिखे। हाँ आप सही आ रही थोड़ा। ए मेरा कैमरा, अरे रुक जा। दीदी से मैंने बोला कि सामने गाड़ी है, सामने गाड़ी है, पीछे भी गाड़ी है। मैंने बोला बैक कर लो थोड़ा, पीछे ज्यादा दूर है। करे नहीं, अपन तो सीधे जाएंगे, गाड़ी उठा के जाओगे क्या? वो तुम ही कर सकते। 10 मिनट से बैठे बैठे हो गया, मुझे लगा अब बैक होगी, अब बैक होगी। अच्छा गाड़ी चलने लगी, चलते चलते गेट भी खुल गया है ना, देखो गाड़ियां जा रही हैं। गाइस थी तो भोपाल में, बट अचानक से पेरिस आ गई हूँ, न्यूयॉर्क। तो ये देखो आईफिल टावर दिख रहा है आपको मेरे सामने। दीदी आईफिल टावर के बारे में क्या बोलना चाहोगी? क्योंकि फुल अभी लाइट जलने वाली है, थोड़ा लो बजट का आईफिल टावर है ये। क्या बाहर तो आ जाते हैं, बट सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या रहता है कि खाना क्या है। क्यों दीदी? मेरा तो फिक्स, इनका तो हमेशा फिक्स रहता है, साउथ इंडियन। हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ कि मुझे खाना क्या है, मतलब खाना है कुछ, बट खाना क्या है, क्या खाना है? भेजा। क्या खाना है? भेजा वो मेरे पास है, क्या खाना तो नहीं है तुम्हारे पास। क्या खाऊं, क्या खाऊं, क्या खाऊं? और ये इनका मील आ भी गया है, और मैं अभी डिसाइड ही कर रही हूँ। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है खाना क्या है। मैम मेरा बहुत ज़्यादा मन है सैंडविच खाने का, बट मैं नहीं खा सकती क्योंकि मुझे ब्रेड से एलर्जी है। ना मैं पिज्ज़ा खा सकती हूँ, ना मैं बर्गर खा सकती हूँ, ना मैं सैंडविच खा सकती हूँ। मेरा मन सैंडविच खाने का, बड़ी विडम्बना है जीवन में। ना तुम ब्रेड पकौड़ी खा सकती, ना तुम बादाम खा सकती हो। हाँ बादाम भी नहीं खा सकती हूँ, बेसन भी नहीं खा सकती हूँ, और कैप्सिकम भी नहीं खा सकती हूँ, सेसमे सीड्स भी नहीं खा सकती हूँ। याद आया, बस इतना कुछ नहीं खा सकती हूँ अब। इसलिए मैं तो सब सारा गंग तो ब्रेड से ही रहता है मेनली। क्यों नहीं खा सकती हूँ? क्योंकि मुझे उससे एलर्जी है, मेरे को एलर्जी है। मतलब मैं खाती हूँ तो मेरे को बॉडी में स्पॉट आ जाते हैं, इचिंग होने लगती है, और सीरियसली भाई एलर्जी बहुत बेकार होती है। कोल्ड कॉफ़ी करी नॉर्मली, साउथ इंडियन खाने का कुछ मन नहीं था खास है।